बीजेपी सांसद और बॉलीवुड इंडस्ट्री की जानी मानी अदाकारा किरण खेर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का शिकार हो चुकी हैं। मुंबई के एक हॉस्पिटल में किरण खेर का इस वक्त इलाज चल रहा है और देखा जाए तो किरण खेर के चाहने वाले लगातार उनकी सलामती की दुआएं मांगते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में इस खबर को कंफर्म किया है खुद किरण खेर के पति दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने। अनुपम खेर के साथ साथ बीजेपी सांसद और फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी अदाकारा किरण खेर इस वक्त मुंबई के एक हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जहां पर किरण खेर का इलाज चल रहा है। बताना चाहेंगे आप सभी को कि किरण खेर गंभीर बीमारी का शिकार हो चुकी हैं। हाल ही में रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है कि किरण खेर ब्लड कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही है। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि इस खबर को कन्फर्म किया है खुद अभिनेता अनुपम खेर ने। किरण खेर के पति अनुपम खेर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है और किरण खेर के प्रति अपने प्यार को जाहिर किया है और किरण खेर को एक फाइटर कहा है। वेल, अनुपम खेर के साथ साथ उनके बेटे सिकंदर खेर ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है और किरण खेर की गंभीर बीमारी के बारे में खुलासा किया है। इस वक्त किरण खेर मुंबई के एक हॉस्पिटल में एडमिट है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन इस बीच देखा जाए तो किरण खेर की जिंदगी से जुड़े पुराने किस्से भी सामने आ रहे हैं। किरण खेर जो कि फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है, लेकिन साथ ही साथ देखा जाए तो राजनीति के गलियारों में भी काफी मशहूर है। बीजेपी से सांसद है किरण खेर और इस बीच देखा जाए तो किरण खेर करोड़ों की संपत्ति की मालकिन भी है। जब भी किरण खेर को किसी इवेंट में देखा जाता है, किसी अवार्ड फंक्शन में देखा जाता है, किसी भी रियलिटी शो में देखा जाता है, तो किरण खेर रॉयल लुक में नजर आती है और किरण खेर का ये अंदाज फैंस को काफी पसंद आता है। हमेशा ही हंसती मुस्कुराती हुई नजर आती हैं किरण खेर, लेकिन आज किरण खेर ब्लड कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं। देखा जाए तो किरण खेर के चाहने वाले लगातार उनकी सलामती की दुआएं मांगते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे किरण खेर की संपत्ति के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूँ आपकी होस्ट प्रांशी राठौर। दरअसल जहां एक ओर किरण खेर फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना नाम है, तो वहीं राजनीति की गलियारों में भी काफ़ी मशहूर हैं। ऐसे में देखा जाए तो किरण खेर भी बेहद लग्जरियस लाइफस्टाइल जीती हैं और वहीं करोड़ों की संपत्ति की मालकिन भी हैं। तो आइए आपको बताते हैं किरण खेर की करोड़ों की संपत्ति के बारे में। बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री और बीजेपी की चंडीगढ़ से सांसद किरण खेर की हेल्थ को लेकर लगातार उनके चाहने वाले सलामती की दुआएं मांग रहे हैं। किरण खेर ब्लड कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का शिकार हो चुकी हैं। किरण खेर का इलाज मुंबई के धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल से चल रहा है। वेल, बताना चाहेंगे आप सभी को कि इस बात की पुष्टि की है किरण खेर के पति और मशहूर अभिनेता अनुपम खेर ने। अनुपम खेर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर इस खबर को कंफर्म किया और बताया कि उनकी पत्नी किरण खेर ब्लड कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं। अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था और लिखा था, अफवाहें लोगों को परेशान ना करें, इसलिए मैं और मेरा बेटा सिकंदर सभी को बताना चाहते हैं कि किरण मल्टीपल माइलोमा से पीड़ित हो चुकी हैं, जो कि एक तरह का ब्लड कैंसर है। वह फिलहाल अपना इलाज करवा रही हैं और हमें पता है कि वह इससे पहले से ज्यादा ताकतवर होकर बाहर निकलेंगी। इस बात की खुशी है कि उनकी देखरेख बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स की टीम कर रही है। वह हमेशा से ही फाइटर रही हैं और हमेशा ही डटकर चीजों का सामना करती आई हैं। वह सभी को प्यार देती हैं, इसलिए उनके इतने चाहने वाले हैं, तो उन्हें अपना प्यार देते रहिए, उनके लिए दुआ कीजिए और अपने जहन में हमेशा रखिए। वह ठीक होने की राह पर हैं, किरण खेर रिकवरी कर रही हैं और हम उन सभी लोगों को शुक्रिया करना चाहते हैं जिन्होंने उन्हें सपोर्ट किया और प्यार दिया। और इस तरह से अनुपम खेर किरण खेर की हेल्थ अपडेट देते हुए नजर आए।
वेल, जानकारी के लिए सभी को बता दें कि बीते बुधवार के दिन एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के प्रेसिडेंट अरुण सूद ने किरण खैर की लंबी गैर मौजूदगी को लेकर बयान दिया और खुलासा किया कि किरण खैर इस गंभीर बीमारी का शिकार हो चुकी हैं। अरुण सूद ने अपने बयान में बताया कि नवंबर में किरण खैर के हाथ में चोट लगने की वजह से वह अस्पताल गई थी। अरुण सूद ने बताया किरण खैर की गंभीर बीमारी के बारे में और अरुण सूद ने बताया कि किस तरह से उनके हाथ में चोट लगी, तो वहीं अब किरण खैर का इलाज चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ अरुण सूद ने इस बात का खुलासा भी किया कि उनके बाएं हाथ में 11 नवंबर के दिन फ्रैक्चर हो गया था, जिसके बाद चंडीगढ़ में उनका इलाज कराया गया। लेकिन इस दौरान जांच में उन्हें पता चला कि मल्टीपल माइलोमा है और बीमारी का पता चलने के बाद किरण खैर इलाज के लिए पिछले साल 2020 में मुंबई चली गई, जहां पर किरण खैर का इलाज चल रहा है। ऐसे में देखा जाए तो किरण खैर को लेकर सलामती की दुआएं मांग रहे हैं उनके फैंस। लेकिन साथ ही साथ अरुण सूद ने यह भी बताया कि वहां पर किरण खैर को एक हफ्ते में एक रात हॉस्पिटल में बितानी पड़ती है, लेकिन लगातार उनका इलाज चल रहा है और लगातार जांच के लिए उन्हें हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है। फिलहाल किरण खैर हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि मल्टीपल माइलोमा एक ब्लड कैंसर का ही प्रकार है और इस बीमारी में ब्लड वाइट ब्लड सेल संबंधी दिक्कत आती है। इसमें कैंसर कोशिकाएँ बोन मैरो में इकट्ठी होने लगती हैं और देखा जाए तो यहाँ पर स्वस्थ कोशिकाओं को प्रभावित करती हैं। और ऐसे में देखा जाए तो किरण खैर को जो बीमारी हुई है, जो कि वाकई में बेहद खतरनाक है। हिंदी सिनेमा जगत की मशहूर अभिनेत्री किरण खैर ने अब तक कई बेहतरीन और सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। हिंदी सिनेमा जगत में किरण खैर ने अपनी खास पहचान बनाई, लेकिन इसके बाद राजनीति के गलियारों में भी कदम रखा। वेल, बताना चाहेंगे आप सभी को कि फिल्मों और रियलिटी शोज के बाद किरण खैर ने राजनीति में अपनी खास पहचान बनाई। किरण खैर ने फिल्म दोस्ताना में एक्टर जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन की मस्त मां का किरदार निभाया था, तो वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो फिल्म कभी अलविदा ना कहना में भी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ जमकर मस्ती करती हुई दिखाई दी थी। लेकिन इसके साथ साथ किरण खैर ने कई फिल्मों में काम किया है, जैसे कि मैं हूं ना, हम, देवदास, रंग दे बसंती, वीर जारा, कमबख्त इश्क, फना जैसी कई फिल्मों में काम किया है। लेकिन इसके साथ साथ किरण खैर ने टीवी रियलिटी शोज के जरिए भी अपनी खास पहचान बनाई है। ना सिर्फ एक अभिनेत्री के तौर पर जानी जाती हैं, बल्कि टीवी कलाकार, होस्ट और एक राजनेता के तौर पर मशहूर हैं किरण खैर। बताना चाहेंगे आप सभी को कि किस तरह से किरण खैर ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। किरण खैर ने कदम रखा था साल 1990 में हिंदी सिनेमा जगत में कदम निर्देशक श्याम बेनेगल की फिल्म सरदारी बेगम से, और इस फिल्म के लिए स्पेशल जूरी अवार्ड से किरण खैर को सम्मानित किया गया था। लेकिन इसके बाद किरण खैर ने ऋतुपर्णा घोष की बंगाली फिल्म बैरीवाली की और इसके लिए किरण खैर को सम्मानित किया गया नेशनल अवार्ड से। लेकिन इसके बाद किरण खैर ने फिल्म देवदास में अपनी बेहतरीन और शानदार एक्टिंग के जरिए फैंस को दीवाना कर दिया और इसके बाद किरण खैर ने कई बेहतरीन और सुपरहिट फिल्मों में काम किया। लेकिन जहां एक और फिल्म इंडस्ट्री में किरण खैर ने अपनी खास जगह बना ली थी, वहीं दूसरी ही ओर टीवी इंडस्ट्री में भी। छोटे पर्दे पर देखा जाए तो किरण खैर कई टीवी शोज में नजर आए, जैसे कि प्रतिभा, गुब्बारे, और इसके साथ साथ किरण खैर जब नजर आई कलर्स चैनल की इंडियाज गॉट टैलेंट में बतौर जज के तौर पर, तो किरण खैर ने हर किसी का दिल जीत लिया। एक मस्त मोला जज के तौर पर नजर आई, तो वहीं किरण खैर इमोशनल होती हुई भी देखी गई। इसके बाद देखा जाए तो किरण खैर
राजनीति के गलियारों में भी झंडे गाड़ती हुई नजर आई। साल 2009 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई किरण खैर और देशभर में पार्टी के लिए प्रचार किया। साल 2011 में चंडीगढ़ में हुए नगर निगम चुनाव में पार्टी के लिए अहम रोल निभाया, तो वहीं देखा जाए तो किरण खैर ने साल 2014 में बीजेपी के नेतृत्व में चंडीगढ़ से सांसद का चुनाव लड़ा और विजय भी हासिल की। किरण खैर ने इस चुनाव को जीता और अपनी एक और अलग पहचान बना डाली। ऐसे में देखा जाए तो किरण खैर ने अपने फिल्मी सफर के जरिए करोड़ों की कमाई की। किरण खैर जो आज के समय में करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है। किरण खैर जब भी कहीं जाती हैं तो अपने लग्जरियस लुक के जरिए हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं। बात की जाए यहाँ पर किरण खैर की कुल संपत्ति के बारे में तो करोड़ों की मालकिन कही जाती हैं। दरअसल बताना चाहेंगे आप सभी को किरण खैर की नेटवर्थ के बारे में। रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है कि किरण खैर करीबन 37 करोड़ की संपत्ति की मालकिन है। जहां एक ओर किरण खैर ने अपनी फिल्मों के जरिए करोड़ों की कमाई की है, तो वहीं गौर किया जाए यहां पर उनके पति अनुपम खैर की कुल संपत्ति की तरफ, तो किरण खैर से भी ज्यादा अमीर हैं अनुपम खैर। अनुपम खैर की कुल संपत्ति सामने आई है 524 करोड़ रुपए। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है कि अनुपम खैर 524 करोड़ की संपत्ति के अकेले मालिक हैं, तो वहीं किरण खैर की संपत्ति काफी कम है। ऐसे में देखा जाए तो दोनों की संपत्ति मिलाकर काफी हो जाती है। वेल, आप अनुमान लगा सकते हैं अनुपम और किरण खैर की कुल संपत्ति का। वेल, देखा जाए तो किरण खैर वाकई में करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है और आज के समय में बेहद लग्जरियस लाइफ स्टाइल जी रही है और काफी महंगे महंगे शौक भी रखती हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे इस रिपोर्ट में आप सभी ने देखा कि किस तरह से किरण खैर ने फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी स्ट्रगल किया और आज के समय में देखा जाए तो एक जानी मानी अदाकारा हैं और वहीं साथ ही साथ देखा जाए तो बेहद लग्जरियस लाइफस्टाइल जीती हैं और वहीं दूसरी ओर ही किरण खैर करोड़ों की संपत्ति की मालकिन भी हैं। बात की जाए यहाँ पर उनके पति अनुपम खैर के बारे में, तो अनुपम खैर भी फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना नाम है और हमेशा ही अनुपम खैर चर्चा का विषय बने रहते हैं और अनुपम खैर भी करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं, जैसा कि हमने आप सभी को हमारी इस रिपोर्ट में बताया। सो फ्रेंड्स, हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।